ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಮಾನ್ಯ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅರುಣ್ ಸಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ಜಿ ಹೊರಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಡೆಸೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿಯವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆಪ್ಕೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಪ್ ಕೋವಿ ಸವಿ ದರ್ಶಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಬೋಲಿಗತ್ತು ಸಬ್ಲೋ ಲೋ ಬೋಲ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ वेरी खाम कूल माइंडेड बहुत जनरस पर्सन है करके तो अरुण सिंह जी के लिए कर्नाटक का पॉलिटिक्स कैसा रहा ये तीन साल में? आ कर्नाटक का पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है कर्नाटक के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ जब एज इंचार्ज के नाते हमने काम शुरू किया तो अब कर्नाटक के अधिकांश जिलों में मैं गया भी हूँ रात को रुका भी हूँ लोग बहुत ध्यान देते हैं और पॉलिटिक्स भी एक ग्रेसफुल पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिक्स में भी कोई मतलब जनरली कोई गुंडागर्दी नहीं है ग्रेसफुल पॉलिटिक्स करना लोग अच्छे हैं कभी कभी मन में चिंता होती है कि कुछ लोग कंस्पिरेसी टेपिंग ये सब काम करते हैं और दूसरी पार्टी के लोग कांग्रेस के लोग तो चिंता होती है अदरवाइज कर्नाटक में अच्छे लोग हैं और बहुत बढ़िया संगठन बहुत अच्छा है हमारा आप कर्नाटक का चैलेंजिंग पॉलिटिक्स करके बोलते हैं कर्नाटक का पॉलिटिक्स इतना इजीली नहीं रहा तीन साल में बहुत अप एंड डाउन फिर भी आपका चेहरा पे आज भी मुस्कराना है तो अरुण जी अरुण सिंह जी मुस्कुरा रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमारे जो कार जो संगठन है बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है बूथ तक हमारा संगठन मजबूत संगठन है और दूसरा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम बूथ स्तर तक है तो जिस पार्टी में का संगठन बूथ स्तर स्तर तक मजबूत हो और जिस पार्टी के पास मजबूत बहुत मजबूत और शक्तिशाली कार्यकर्ताओं की फौज हो तो अवश्य रूप से कोई भी इंचार्ज होगा उसको मुस्कुराहट तो आएगी आएगी कभी साउथ इंडिया में एक ही स्टेट है कर्नाटक का बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड करके अभी जो है वो स्टेट का हॉट सीट में बैठे आप इंचार्ज होके ये हॉट सीट का महसूस कैसा हो गया आपको तीस साल तीन साल में ये हॉट सीट कैसा लगा आपको नहीं ये तो मुझको लगता है कि कर्नाटक में जो मैंने चारों ओर घूम करके देखा इस बार इतिहास रचने जा रहा है क्योंकि अभी हमारे पास बीजेपी के पास कुल मिलाकर के 121 हंड्रेड ट्वेंटी वन एम हैं और हाईएस्ट एवर सब लोगों ने अच्छा काम भी किया है अब कर्नाटक के कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां बीजेपी का एमएलए या मंत्री न हो हर एरिया मांडिया में भी है हसन में भी है और उधर अगर देखें तो आ, सब जगह है मतलब कुदर भी गुलबर्गा से लेकर के कोई भी जिला ले मतलब हर कोने पे भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का मिनिस्टर है एम एल है तो इसलिए मुझको लगता है कि कर्नाटक में जो बीजेपी की संगठन का मजबूती के साथ खड़ी हुई है और जो काम हुए हैं आपको पता है 2014 से जो मोदी सरकार आया उधर से एक इंडिया में डेवलपमेंट एक मुद्दा बन गया है इलेक्शन में ये बार इलेक्शन में कर्नाटक में आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा अभी ओपोजिशन भ्रष्टाचार का मुद्दा पे जा रहा है। लेकिन आ... आपका मुद्दा क्या रहेगा बीजेपी का मुद्दा क्या रहेगा एक बार भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा केवल डेवलपमेंट ही है अगर हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात हुई उनतालीस लाख घरों में नल से जल पहुंचाना 52 टू फार्मर्स उनको सीधे उनके अकाउंट में पैसा जाता है टेन थाउजेंड रुपीज़ हर घर को बिजली पहुंचाया गया एक करोड़ तेरह लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया तो बिजली भी दी गई आयुष्मान भारत का कार्ड भी दिया गया नल से जल की योजना भी पहुंचाई गई पाँच दशक के कांग्रेस की सरकार थे फाइव डिकेट इट वॉज फॉर द मोर देन फाइव डिकेट यस बट दे नल से जल उन्होंने अगर नल से जल अगर पानी पहुंचाया होता तो 39 नाइन लैक्स लोगों के घरों में नल से जल क्यों पहुंचाना है की जरूरत पड़ती अगर उन्होंने स्वच्छ भारत के अंतर्गत टॉयलेट अगर बनाए होते तो क्यों बनाने की जरूरत पड़ती वास्तव में उन्होंने कुछ किया ही नहीं इसलिए यह हमारे विकास का एजेंडे को लेकर के जो काम किया सरकार ने उसको लेकर के हम आगे जा रहे हैं और दूसरा बात क्या है कि तुष्टिकरण कांग्रेस केवल एक वर्ग को खुश करने की बात करती है जब भी जहाँ भी सरकार होती है और सरकार नहीं होती तो भी वैसे भी हमारा है कि तुष्टिकरण मत करो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास इस मूल मंत्र जो को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है इस मूल मंत्र को लेकर के काम करना चाहिए तो पीएफआई का जो था बैन लगाने का काम हमारी सरकार ने किया गोहत्या पे प्रतिबंध हमारी सरकार ने काम किया हिजाब का इशू कांग्रेस ने उठाया था उस समय एसडीपीआई ने उठाया था लेकिन पीछे से कांग्रेस का सपोर्ट था तो हमारा यह है कि तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए दो तीसरा मुद्दा है कि कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए कोई ऐसे स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है जो उदाहरण के रूप में राजस्थान का मैं इंचार्ज जो राजस्थान का सही है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है गहलोत जी की और केंद्र में मोदी जी का तो रोज ओ, के वो केवल दोषारोपण करते हैं आरोप लगाते काम नहीं करते तो जब केंद्र में भी मोदी सरकार और प्रदेश में भी मोदी सरकार भाजपा की सरकार तो दोनों के रहने से प्रदेश का चौमुखा विकास होता है प्रधानमंत्री जी के गार्जियनशिप में उनके डायरेक्शन में कर्नाटक का विकास जिस प्रकार से हुआ और तेजी से विकास होगा तो हमारा ये तीसरा मुद्दा कि इस विकास की रफ्तार को रोकना नहीं है झगड़े है। वाली सरकार नहीं चाहिए इसलिए भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार चाहिए अब डबल इंजन सरकार के बारे में बात करते हैं सही है पहला इंजन जो मोदी चला रहे हैं सेंट्रल से दूसरा इंजन कर्नाटक में एक साल के लिए डेढ़ साल के लिए येडियुरप्पा जी ने चलाया उसके बाद बम्बई ने चलाया तो आपको वो इंजन कैसा लगा आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं? सेकेंड इंजन कर्नाटक का कैसा चला सेकेंड इंजन देखिए हमारे जो सरकार एक ही सरकार होती भाजपा की सरकार तो मुख्यमंत्री बदलते हैं तो नए सीएम भी आते हैं तो पुरानी योजनाओं को पुराने पॉलिसीज को पुराने कार्यक्रमों को लेकर के आगे चलते हैं हाँ उसमें कुछ जोड़ने का भी काम करते हैं तो जो हमारे येद्यूरपा जी के समय जो अपने स्कीम्स योजनाएँ चालू हुई उसको कंटिन्यू करते हुए बोमई जी ने कुछ और नई स्कीम जैसे पेंशन का पेंशन को कई गुना बढ़ाने का काम हुआ हक पत्र अब बताइए कोई सोच सकता था कि इतने पचास हजार लोगों को हक पत्र कांग्रेस के समय में नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी आए लोगों को हक पत्र देने का काम किया और रिजर्वेशन एस सी का रिजर्वेशन बोमई जी के समय बढ़ा एस का पंद्रह से सत्रह परसेंट एस का तीन से सात परसेंट या बोमई जी ने करने का काम किया तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया भाई कांग्रेस भी पूछना चाहिए ये तो बोमई जी ने किया ना इस चीज को केम्पे गोड़ा जी की इतनी बड़ी स्टैचू एक सौ आठ फीट की स्टैचू जो पूरे कर्नाटक में हर समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं समाज सुधारक विकास पुरुष उनकी भी स्टैच्यू जो है उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हमारी सरकार ने किया तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया तो यह कई काम बुमई जी के कार्यकाल में हुए जैसा मैंने बताया एस टी का रेजुलेशन से लेकर के केम गौड़ा जी की स्टैचू का उद्घाटन स्कॉलरशी रायता विद्या रायता विद्यानिधि से ले करके और पेंशन का को बढ़ाना फ्री आ, मतलब बिजली जो है कुछ यूनिट तक एस सी समाज जाए कि बिजली का भी मुफ्त देने का काम उसके अलावा और भी बहुत काम किया है एक बार बम्बई जी का बजट हुआ तो बीजेपी भी बोलता है शानदार बजट तो वी आर गिवन बेस्ट ट्राई टू गिव बेस्ट बट कांग्रेस में आपको पता चला वो दिन कान पे फ्लवर लग के फूल रख के आ जाता है तो बोलते है किवी मेले हुआ तो व्हाट यू वांट टू डिस्क्राइब दैट देखिए अब या कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो कर्नाटक राज्य है ईज अब डूइंग बिजनेस में नंबर वन पे है देश में नंबर वन पे है और इनो इनोवेशन इंडेक्स में उसमें भी दो साल से नंबर वन आ रहा है ई सबसे सब्सिडी कहीं आ रही है तो कर्नाटक में आ रही है 35 टू 40% कर्नाटक में आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो रहा, हो रहा है ग्रैंड सक्सेसफुल हो रहा है कई टेक्सटाइल पार, पार्क कई कई पार्क टॉयज पार्क से लेकर फार्मास्यूटिकल पार्क और तो और चिप बनाने का फैक्ट्री की भी एम हो चुका है तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में आ रहा है और कर्नाटक को बहुत बड़ी रिकोगनीसन मिल रहा है सरकार की पॉलिसीज़ को जितने भी संगठन हैं इंडिपेंडेंट संगठन उसको इंडोर्स कर रहे हैं नंबर वन स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग को अगर ये समझ में नहीं आए तो जनता तो जानती है अगर उनको समझ में नहीं आएगी तो जनता उनको समझाने वाली है हमारा प्रोजेक्ट 150 करके बताते हैं हम तो बीजेपी वाला बोल रहे हम वन फिफ्टी ये बार का हमारा टारगेट तो इलेक्शन अभी सेलेक्शन नहीं रहा स्ट्रैटी रहा तो आप इंचार्ज है तो कर्नाटक में बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा देखिए अभी पहले हमारा बूथ विजय अभियान उसके माध्यम से हर बूथ पे जाने का काम किया और उसका विजय संकल्प अभियान वो अभी बहुत हर बूथ पे जाना झंडा लगाना भाजपा का सिंबल उसमें पेंटिंग करना और सरकार की उपलब्धि जी मोदी जी ने इतना काम किया और मुंबई जी के सरकार ने काम किया उनको घर घर तक पहुँचाना हर आदमी को जा, अब जानकारी होगी क्या क्या काम किया है वह सफल रहा और वह अब उसके बाद इन दोनों के अभियान के बाद अभी हमारी विजय संकल्प यात्रा चल रही है इस विजय संकल्प यात्रा में थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड किलोमीटर अभी तक पूरा हो चुका है चार रथ यात्रा चल रही है कुल मिला कई मुख्यमंत्री आए गोवा के सीएम आए उसके साथ साथ अपना मध्य प्रदेश के सीएम आकर के भाग लेके गए पंद्रह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर के सब आकर के इस विजय संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं प्रदेश के नेता लगातार येद्यूरप्पा जी जो टॉलेस्ट जो मोस्ट पॉपुलर एंड टॉलेस्ट लीडर इन द कर्नाटका इन ऑल पार्टीज वह लगातार विजय संकल्प यात्रा में जा रहे हैं उमेश जी जा रहे हैं और इस विजय संकल्प यात्रा में जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी किया आ, अपना इसके साथ साथ राजनाथ सिंह जी ने, ने किया अमित भाई शाह ने किया कल फिर कल और परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद विजय संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं तो इस विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है सभाएं, सब 45 से ऊपर सभा उसके अलावा रोड शो एक से ऊपर रोड शो और 60 लाख लोग 60 लैक्स लोग अभी तक विजय संकल्प यात्रा में पार्टिसिपेट कर चुके हैं इधर देखिए सेठी साहब एक चीज़ मैं बताऊं आपको सर एक बहुत एक सौ पचास सीटों का सिंपल फार्मूला हम क्यों कहते हैं पहली चीज हमारे पास कार्यकर्ताओं की जो टोली है जो है ना, नीचे तक इतने बड़े कार्यकर्ताओं का वह कांग्रेस में नहीं है नंबर वन भारतीय जनता पार्टी के जैसा संगठन ऑर्गेनाइजेशन बूथ तक कांग्रेस का कहीं दूर दराज तक नहीं है भारतीय तीसरा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता जो गांव गरीब किसानों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के पास नहीं है राहुल गांधी बोलते तो वोट कम होता है मोदी जी जब आते हैं तो वोट ऐसे बढ़ता है मंडिया में किस प्रकार के रोड शो में अभिनंदन किया जिस प्रकार से मंडिया में और उस, उसके अलावा भी जो कार्यक्रम हो रहा प्रधानमंत्री का वो लाख लाखों लोग आ रहे हैं तुम्हारे नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व में जमीन आसमान का फर्क है हमारे पास और सेंट्रल के और स्टेट के अदर और लीडर्स हैं कांग्रेस में कोई है ही नहीं तो ए थर्ड इज़ फर्स्ट कार्यकर्ता दूसरा ऑर्गेनाइजेशन तीसरा लीडर और चौथा है जो हमारी सरकार ने काम किया है चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और चाहे यहाँ पहले येदुरप्पा जी या बुम्बई जी उस काम को अगर जोड़ दो और कांग्रेस के काम को आगे सामने रख लीजिए सिद्धरमैया का तो अनपैरल है अगर हमारे यहाँ सौ काम हुआ है तो उनके यहाँ दस काम हुए थे अनपैरल इन चारों का कम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो 150 सीट हम अवश्य रूप से जीतेंगे और जहाँ जहाँ वीक थे वहाँ बहुत मजबूत हुए हैं आप सही बोला आपका कंपेरेटिव चार्ज में चार्ट तो आप बहुत अच्छा बनाए मेरा सिंपल क्वेश्चन अभी बीजेपी कार्यकर्ता है इधर और लीडर्स है तो जो भी डाउनफॉल भी किधर भी रहेगा इधर मोदी ट्रैवलिंग कर्नाटका अमित शाह जी ट्रैवलिंग कर्नाटका नड्डा जी ट्रैवलिंग कर्नाटका एक बार वो स्पिरिट उठ जाता है उसका रीज़न क्या है कर्नाटक में किधर भी देखो मोदी ट्रैवल कर रहे हैं अब हमारा अमित शाह जी ट्रैवल कर रहे हैं तो इट लाइक मिराकल्स हैपेंस टू तो बीजेपी करके बोलते सब लोग वो मिराकल्स कैसा हो सकता है क्योंकि देखिए मोदी जी को कर्नाटक के लोग बहुत पसंद करते हैं और मोदी जी भी कर्नाटक में उनका बहुत बड़ा कर्नाटक के लोगों के प्रति स्नेह है और हृदय से मानते हैं एक दूसरे को और इसीलिए कर्नाटक के लिए जो अपर जैसे अपर बजट में अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए पाँच हज़ार तीन सौ करोड़ रुपये अनाउंसमेंट किया रेलवे का नौ योजना बजट किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और अमित शाह जी भी कर्नाटक के लिए जब 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 आते हैं तो उन्होंने कर्नाटक को लगभग सभी जिलों के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं हर जिले में गए हुए हैं पिछली बार भी चुनाव में थे तो इसलिए जब आते हैं तो कार्यकर्ता जो है अपने नेता को देख करके के अपने केंद्रीय नेतृत्व को देख के प्रफुल्लित तो खुश होता है जब केंद्र के नेता जिस पार्टी का आकर के वोट बढ़ाते हों तो खुश होगा और जब जिस पार्टी के नेता आकर के वोट गिराने का काम करते हो राहुल गांधी तो उसमें कार्यकर्ता दुखी दिखता है तो यही कारण है कि ये लोग आते हैं तो कार्यकर्ता उत्साह से अपने केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन भी करता है राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं देखिए भारत जोड़ो इनकी यात्रा जब गई तो जिन अलगाववादी लोगों को लेकर के गए जो टुकड़े टुकड़े गैंग भी इनके साथ बहुत जगह दिखे को लगा क्या भारत जोड़ रहे हैं या भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं अब जो पार्टी का इतिहास रहा हो नक्सल की समस्या, समस्या हो अलगाववादी की समस्या हो आतंकवाद की समस्या हो सभी समस्या नॉर्थ ईस्ट की समस्या हो सभी समस्याओं के जड़ में कांग्रेस पार्टी रही है अब जोड़ने के लिए क्यों निकले हैं भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है भगवान राम और भगवान कृष्ण के समय भी से भारत तो एक ही रहा है तो भारत को जोड़ने के लिए तो उनका इंटेंशन ठीक नहीं था इसीलिए जहाँ जहाँ निकल के गए ना सात जिलों में जहाँ बाई इलेक्शंस हुआ जैसे बीजेपुर में हुआ पहली बार भारतीय जनता पार्टी का वहाँ काउंसिल काउंसिल हम जीते वहाँ मेयर हमारा बना पहली बार फर्स्ट टाइम जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा गए वहाँ बीजेपी को और सफलता मिली बीजेपी को एक डिसिप्लिनरी पार्टी करके बताता है पहले से भी वेरी डिसिप्लिनड पार्टी करके अब तीन साल से कर्नाटक में गवर्नमेंट चल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है कर्नाटक में बीजेपी डिसिप्लिन हाई लीडर्स यूनाइटेड है बातें देखो बीजेपी के सभी नेता एक हैं कर्नाटक में तो सब एक हैं सब एक अमरीला के नीचे काम कर रहे हैं हम इतनी बार कोर कमेटी की बैठक अटेंड करते हैं को सब एक मत से कोई निर्णय लेते हैं अगर कोई डिफरेंसेस हैं जो सामने दिख रहे हैं तो सिद्धरमैया जी में डी के कुमार जी और खड़गे जी आगे और तीनों में डिफरेंसेस हैं अभी इनके पूरे और झगड़ा होने वाले हैं भाजपा के नेता एक साथ हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं हम कव सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं तो इसलिए हमारे लोगों में कोई भी किसी प्रकार का को कोई डिफरेंस नहीं है सर येडियो जी से दिग्गज नायक था इधर सी एम था उसको रिप्लेस करना आपका टर्म में हो गया तो कितना चैलेंजिंग था येडियप्पा जी को एक पैराल के सीएम बनाने का नहीं, नहीं वो काम कितना चैलेंजिंग था पहली चीज तो बताऊँ यप्पा जी को रिप्लेस नहीं किया गया और येदुरप्पा जी का को कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता इतने बड़े मास और पॉपुलर लीडर है येद्यप्पा जी सही है हम लोग भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बहुत कुछ सीख जब भी मिलता हूँ कुछ सीखने का ही कोशिश करता हूँ येदुरप्पा जी का तो येद्यूरप्पा जी ने खुद प्रधानमंत्री जी से या पार्टी अध्यक्ष जी से मिल करके ये बात कही और उन्होंने कहा कि अब हम अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए हमारी एज हो गई लेकिन पार्टी के लिए पूरा मेहनत करके जिताऊंगा मोदी जी की झोली में एक हंड एक सौ पचास सीट डालूंगा जिता करके तो येद्यप्पा जी ने खुद निर्णय ने लिया जब इतने बड़े नेता खुद निर्णय ने लेते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जितने आठ मैं इतने सालों से सात आठ सालों से अगर वीडियो आप देखेंगे जिस प्रकार से येदुरप्पा जी के सम्मान में जन्मदिन के अवसर पर सूर्य में प्रधानमंत्री जी उनके बारे में बोला वो अद्भुत बहुत मन को खुशी होती है प्रसन्नता होती है और यही मैं कह रहा हूँ येद्युरप्पा जी की जो पॉपुलरिटी है उस पॉपुलरिटी के आधार पे कर्नाटक में आप हमारे एक सीटें से हम ऊपर हम जीतेंगे बीजेपी के लिए आप आपका प्राइड है मोदी का साथ आप भी हैं अभी मोदी कर्नाटक में आता है आपको आप सुन सकते हैं मोदी मोदी उद्गार सुन सकते हैं एक बीजेपी कार्यकर्ता होने का नाते एक इंडियन होने का नाते हाउ यू फील एक लाखों लोग मोदी मोदी करने का टाइम फीलिंग होती कि हम भी मोदी मोदी करते हैं हम भी करते हैं मोदी 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 मतलब अपने आप लोग करते हैं देखिए क्या है कि ये हृदय से मन से मोदी मोदी सबका निकलता है क्योंकि उन्होंने इतना अपने त्याग और तपस्या इतनी मेहनत के साथ किस प्रकार से गरीबों को किसानों को आम व्यक्तियों के लिए उस एक एक करके योजना ले आ करके वो सुविधा देने का काम कर रहे हैं देश के आज़ादी के बाद जो मतलब इतना अधिक काम पिछले आठ नौ सालों में जो हुआ है कभी नहीं हुआ और किस प्रकार से जब भारत का मान सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ा रहे हैं लग रहा है भारत के प्रधानमंत्री हैं हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके गौरव बढ़ाने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं तो जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो अपने आप देश के कहीं कोने में जाएं लोग खुद ही मोदी 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 भी करने लगते हैं कभी भी आप किसी रैली में देखते होंगे अपने आप देश में किसी भी कोने में जाएं मोदी 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 स्वस्पूर्त so, uh, जैसे मान लीजिए कि आप मंदिर में जाएं तो मंदिर के परिसर में जाए घुसेंगे तो आपको खुद ही राम राम सीता सीता राम ऐसे आप करे गए या करे मथुराम जाएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप खुद ही कहने लगेंगे तो कहीं शंकर के मंदिर में जाएंगे तो ओ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कराएंगे वैसे जब मोदी जी की रैली होती तो उस समय देख करके लोग मोदी 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 स्वस्फूर्त करने लगते हैं दूसरा जगह से अमित शाह जी वेरी सीरियस पॉलिटिशियन तो लोग कहते हैं वेरी स्ट्रूट पॉलिटिशियन कहते हैं वेरी स्ट्रैटेजिक पॉलिटिशियन आप उसका साथ भी डिकेट का उसका साथ रिलेशनशिप है कोई उसका आंख में आंख डाल के बात करने का भी थोड़ा सोचता है स्ट्रैटेजिक प्लेयर उसका साथ काम करने में आपको कैसा लगा नहीं बहुत सरल है ऐसा नहीं है बहुत सरल है सभी हम कार्यकर्ता उनके साथ मिल करके उनके साथ जो काम करते हैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली इसलिए महसूस करते हैं उनके मन में क्लैरिटी बहुत है कोई भी चीज़ पूछिए उसका आंसर उनके तुरंत एक कभी नहीं कहते इसको सोच के बताऊँगा क्लैरिटी है तो जब किसी व्यक्ति के मन में स्पष्टता होती है क्लैरिटी होती है तो संगठन का काम और तेज गति से चलता है क्लैरिटी हर चीज़ में क्लैरिटी है एक वन मोर स्टेप या ये फैमिली पॉलिटिक्स कुटुंब राजकारण के बारे में कर्नाटक में बहुत बड़ा मुद्दा है इफ़ यू सी जेडीएस के बारे में हम बताए कभी कभी इधर लगता है जेडीएस इस बी टीम बीजेपी का बी टीम बोलते हैं तो आपको एक कुटुंब राजकारण के बारे में आपका नहीं नहीं जे डी एस देखे हमारी कोई बी टीम नहीं है अगर होंगे तो कांग्रेस के जे डी एस बी टीम होंगे हम तो देखे प्रधान अपना पहले प्रा, अभी प्रधानमंत्री जी मंडिया में गए किस प्रकार से उनका रोड शो पे लोग खड़े थे फिर सभा भी बड़ी हुई उससे पहले हमारे अमित शाह जी गए थे वहाँ पे मंडिया में उन्होंने कहा कि नहीं जे डी एस को हराना है तो बी टीम नहीं है जे डी एस को हराने के वहाँ भी कह के बंगलोर में कह के आए और जे डी एस तो देखिए सिंगिंग शिप डूबता हुआ जहाज है इस डूबते हुए जहाज़ में कौन सवारी करने वाला है तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ओल्ड मैसूर रीजन में बढ़ रहा है फैमिली पॉलिटिक्स खबर बारे मैं आपको फैमिली पॉलिटिक्स में अपना मानना है कि अगर लंबे समय से कार्यकर्ता कोई काम कर रहा है तो उसको बीच बीच में -बी मौका मिलता है बीजेपी -बी मिलता है लेकिन पार्टी को फैमिली नहीं चलाना चाहिए जैसे जेडीएस को कौन चला रहा है गौड़ा परिवार चला रहा है कुमार स्वामी चला रहे हैं अगली बार कुमार स्वामी के लड़का चलाएगा यही चलेगा कांग्रेस में गांधी परिवार चला रहा है ऐसे समाजवादी पार्टी में क्या है मुलायम सिंह जी का परिवार फिर अखिलेश जी फिर उसके बाद परिवार ऐसे आर में लालू जी फिर लालू जी के लड़के अभी फिर उनके लड़के ऐसे एन में शिवसेना में ऐसे अलग अलग इन पार्टियों में साउथ में भी इधर भी चले जाइए तो भी तेलंगाना में देख लीजिए आंध्रा में देख लीजिए तो परिवार को पार्टी नहीं चलाना चाहिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्य व्यक्ति बनता है कोई भी बन सकता है और प्रधानमंत्री तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने हैं सिर्फ इलेक्शन टाइम में एक टारगेट अपोजिशन रहता है अभी कर्नाटक में मुद्दा में जाएगा तो टारगेट अपोजिशन में अपोजिशन क्या राइज कर रहे हैं आज एक भ्रष्टाचार का मुद्दे मुद्दा उठा रहे हैं फोर्टी परसेंट का मुद्दा उठा रहे हैं आपको पे सी का मुद्दा उठाया तो आप उसको डिपेंड करना कैसे चाहते हैं देखिए ये मुद्दा इनका जो है पहले से प्लान करके इनका मुद्दा कोई वो नहीं है उसके पीछे कोई लॉजिक्स नहीं है अगर होता तो एफ करते एफ आई इन्होंने दर्ज नहीं किया तथ्य सामने दिया नहीं पोस्टर लगा दिया ऐसे एक सरल सज्जन व्यक्ति मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा दिया तो क्या ऐसे एक मुख्यमंत्री वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बोमई जी उनका सड़क के चौराहे पे सी करके फोटो लगाओगे कर्नाटक की जनता का अपमान नहीं है क्या तो कांग्रेस ने पाप किया है उस पाप का सजा उनको भोगना पड़ेगा ऐसा नहीं है और वह कांग्रेस भूल गई कि किस प्रकार से सिद्धरमैया जी के समय टीचर में भर्ती के घोटाला पुलिस की भर्ती में घोटाला राशन में घोटाला डी के श्री कुमार के उसमें घोटाले घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोप लगाते हैं आप बताइए कि अगर स्कॉलरशिप जा रहा है तो बच्चों को पूरा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किसान को 52 टू ,00 किसानों को अगर दस हज़ार रुपये मिल रहा भेजा जा रहा है उनको साल का तो टेन थाउजेंड में नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन नाइन्टी नाइन, नाइन नहीं बल्कि टेन थाउजेंड भेजा जा रहा है पेंशन जा रहा था तो पूरा उनके अकाउंट में जा रहा है सारा पैसा जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है अगर बेनिफिशरीज को दे रहे हैं गरीब को किसान को तो पूरा का पूरा पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है कांग्रेस के समय में वह अकाउंट ही नहीं खुले थे इसलिए कांग्रेस के समय में पचासी परसेंट पैसा करप्शन में जाता था और पंद्रह परसेंट पैसा वो लाभार्थी के पास पहुंचता था राजीव गांधी ने भी इस बात को कहा था लेकिन मोदी जी ने सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिए और बैंक अकाउंट खोलने के नाते बाद सभी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है तो कहाँ करप्शन है भाई बताइए करप्शन तो आपके समय था जब पचासी परसेंट पैसा खा जाते थे अभी तो पूरा पैसा सबके पास पहुँच रहा है हंड्रेड परसेंट पहुँच रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा पहुंच रहा है वो हंड्रेड परसेंट पहुँच रहा है एक रुपये भी उसमें कोई लीकेज नहीं है क्योंकि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुँच रहा तो दिस इज द डिफरेंस इन द कांग्रेस देर वो बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स एंड पुअर एंडिफिशरीज एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम नरेंद्र मोदी दैंक अकाउंट नाउ द फंड इन देयर अकाउंट डायरेक्टली सो अ सिंगल पैनी देर इज नो लीकेज ऑफ द सिंगल पैनी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड आवर गवर्नमेंट तो करप्शन किसके समय था इन देयर टाइम द करप्शन वॉज एट्टी फाइव परसेंट इन द कांग्रेस रिज्यूम आई हियर द जीरो करप्शन मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ ना कि राजीव गांधी कहते थे कि पचासी परसेंट पैसा लीकेज में चला जाता है देश के आज़ादी के बाद छः दशक से अधिक कांग्रेस ने राज किया इसका मतलब एट्टी फाइव परसेंट करप्शन जो था वो कांग्रेस के समय पाँच पचास साल से था प्रधान मिनिस्टर मोदी जी आने के बाद बैंक अकाउंट खुल गया तो सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पी किसान से ले के सारे जो पैसा बेनिफिशरीज से को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लेकर के एक एक योजना बनाऊंगा तो बताऊंगा तो बहुत पैसा लगे बहुत समय लगेगा 27 लाख रुपए बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पहुंचा डायरेक्ट और एक रुपए का भी करप्शन उसमें हो ही नहीं सकता तो हमारे हंड जीरो परसेंट करप्शन इधर एट्टी करप्शन इधर कर्नाटक का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है डी के शिव कुमार जी उसका ऊपर भी करप्शन चार्ज लगता है वो जेल तक जाके आता है लगता है वो करप्ट ही है उसका बाद बोलते हैं टारगेट बीजेपी ये मुद्दा <laughs> है बीजेपी ओपोजिशन को टारगेट करता है ईडी आईटी सीबीआई को यूज़ करता है इसका बारे में आप क्या बोलना चाहते एक पुरानी फिल्म में हम लोगों के तरफ कहावत है वो कहता है चिनाय सेठ जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर शीशा नहीं फेंका करते तो डी के शिव कुमार के घर ही शीशे में शीशे का है करप्शन वाला घर है तो भाजपा पे पत्थर फेंकेंगे तो घूम के उन्हीं के घर पे गिरने वाला है इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं दे डोंट हैव एनी इशू उनको कोई मुद्दा नहीं बीजेपी के खिलाफ मैं चैलेंज करता हूँ कि जो हम विकास की योजना बता रहे हैं वो आके बताएं तो कि नल से जल के हो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हो आयुष्मान भारत हो रायता निधि हो आकर के बताएंगे झूठा है उसके बारे में नहीं बात करेंगे केवल कंस्पेरेसी और टे, टेप करने से कांग्रेस का बलन नहीं होने वाला बीजेपी ने ए, कभी भी बताया आप बताया हम बैकवर्ड क्लास का साथ रहा है और लेडीज का साथ रहा है बच्चा का साथ रहा है विजय संकल्प यात्रा का आप संकल्प किया लेकिन विजयी आपको बनाने के लिए मतदार ने संकल्प करना पड़ेगा इधर का इंचार्ज होके अब सोचते है, एक मतदार ने क्या संकल्प किया रहेगा मैं ये संकल्प के लिए बीजेपी को चुनाव जिताना चाहिए मतदाताओं का संकल्प यह है कि प्रदेश में जो विकास हो रहा है कर्नाटक में केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है जब दोनों बीजेपी की सरकार होती है तो जो विकास तेज गति से चल रहा है वह रुकना नहीं चाहिए कांग्रेस की सरकार आ तो नहीं रही है, लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार आई है वो विकास का काम बिल्कुल रुक गया है क्योंकि कांग्रेस की सरकार स्टेट पे आने के बाद झगड़ती है मोदी जी से मोदी सरकार से झगड़ने का आरोप लगाने का काम करती है तो जब आरोप आप लगाओगे तो सरकार अपना प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा इसलिए जनता से यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव कर्नाटक के प्रति है एक भारतीय जनता पार्टी अच्छे गुड गवर्नेंस के माध्यम से राज की है जनता की सेवा की है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए डबल इंजन की सरकार है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ का और विकास हो सके जो काम चल रहा है वो और तेज़ गति से काम हो यह कर्नाटक की जनता से हम लोग अपील करेंगे और कर्नाटक की जनता बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या में इसका समर्थन भी कर रही है चुनाव का टाइम एक मुद्दा आता है सब जन सामान्य का सर पर ये मास लीडर हम इलेक्शन में एक लीडर का नाम पे अभी लास्ट टाइम आप गए तो येडियुरप्पा का नाम जी का नाम से हम इलेक्शन में गया अब ये बार कर्नाटक में हम लोग को सुनना पड़ता है लाइक हम मास लीडरशिप में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे ये बार का स्ट्रैटेजी लीडरशिप के ऊपर क्या रहे नहीं ये तो देखिए क्या है कि अभी हमारे येद्यूरप्पा जी का मार्गदर्शन उनकी लोकप्रियता और जो बुम्बई जी ने काम उनके काम को ले जा करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बाकी जो है सब कुछ हमारे सेंट्रल लीडर पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है तो कभी आपको आरएसएस और बीजेपी ये इलेक्शन में है आपको पता है कभी भी आरएसएस और बी, बीजेपी साथ में चलता है तो एक ही घर का दो कमरा है तो हाउ मच यू थिंक आर एस एस स्ट्रांग बेस बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए नहीं भारतीय जनता पार्टी एक देखिए स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है हमारा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है और कर्नाटक की भी सबसे बड़ी पार्टी है देश की भी सबसे बड़ी पार्टी है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है और हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जो अच्छे लोग काम कर अच्छे काम करते हैं उनके अपना जो संघ है वो सपोर्ट करता है अच्छे कामों की सपोर्ट करता है हाँ हम लोग गर्व से कहते हैं हम लोग स्वयंसेवक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिकांश कार्यकर्ता स्वयं सेवक हैं खुद ही हम लोग स्वयं सेवक हैं वन नेशन वन रूल्स लेके आया हम बोलते one nation, one हैं वन नेशन वन सिटीजन उसका बाद आप सबका साथ सबका विकास जो कर्नाटक में आपको ये तीन मुद्दा में सबका विकास हुआ लगता है देखिए अब क्या है कि जब इसके बारे में जब पी अब देख श्री की सरकार थी तो पीएफआई का किस प्रकार से जाल चारों ओर फैल रहा था तेईस हिंदुओं की हत्या होती थी पीएफआई में जो शामिल होते थे उनको छुड़ाने का कांग्रेस सरकार काम करती थी सरेआम गोह हत्या होती थी और अभी भी आज के दिन में देखिए कि हिंदू को असली शब्द कहना कौन कांग्रेस के लोग ही तो कहते हैं और उनके प्रभारी हरण जैसे हरण जैसा शब्द उपयोग करते हैं तो एक कुल मिलाकर के एक कांग्रेस को हमेशा अगर हमारे धार्मिक आस्था हिंदुओं को या भारत को गाली दे करके उनको अच्छा लगता है राहुल गांधी जी विदेश में जा करके के अगर भारत के लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं जुडिशरी को कह रहे हैं कोई स्वतंत्र नहीं है पार्लियामेंट स्वतंत्र नहीं है मीडिया स्वतंत्र नहीं है विदेश में जा कर के इस प्रकार से कि अमेरिका यूरोप के लोगों को जा करके मदद कर के मदद देखना चाहिए भारत में लोकतंत्र नहीं अरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है राहुल गांधी को सर मानी चाहिए एक तरफ जब मोदी जी भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं वहाँ जा विदेश में गाली दे रहे हो तो हमारा क्या है कि हम इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम किसी को मतलब सभी को न्याय देने वाली बात करते हैं और किसी वर्ग का अपीजमेंट के लिए हम लोग काब्री करते हैं सर हर घर मोदी ये नारा था ऑल इंडिया में नारा हो गया हर घर मोदी अभी कर्नाटक में हर घर मोदी और हर घर बीजेपी का साथ आप निकला है भाजपा भरोसा भाजपा पे है भरोसा भाजपा पर है भाजपा ही भरोसा यह चलो सभी ए, ए, थीम लेके चल रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अब वास्तव में लोगों का भाजपा पे ही भरोसा है अब कर्नाटक कांग्रेस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कर्नाटक कांग्रेस अब इंडिया के ही कांग्रेस है आपको पता है तो आप कैसे डिस्क्राइब करता है तो सेंट्रल लेवल पे देखिए कांग्रेस कांग्रेस कर्नाटक कर, को हमको डिस्क्राइब करना हो तो प्रभारी के नाते हमने वाला डिस्क्राइब ये किया कि ये लोग ज़मीन पे कोई काम नहीं करते हैं जब कोविड आया तो कोरोना के समय बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे सरकार भी और कार्यकर्ता हमारे ज़मीन पे काम कर रहे थे अपने जान की परवाह किए बिना लेकिन कांग्रेस के लोग घर पर बैठे थे सो रहे थे उन्होंने काम नहीं किया तीसरा अगर कांग्रेस में देखे तो कोई लीडरलेस लीडरलेस पार्टी है सेंट्रल में ऐसा लीडर है कि जो ना उनका कोई विज़न है और आ, वो डिफेक्टिव सोच वाले व्यक्ति हैं नॉन सीरियस हैं राहुल गांधी जी और स्टेट के लीडरशिप जो है वो कन्फ्यूज हैं वो सोचते हैं कि कंस्पिरेसी के आधार पर ही हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ज़मीन पे काम करते है नहीं हैं वो ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्स्परेसी के आधार पे हम चुनाव जीतेंगे या कांग्रेस के लोग सोचते हैं आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के सामने मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का यहाँ पे मुझको कोई वो दिख नहीं रहा मतलब जो स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा विजन भी नहीं दिख रहा है उनका कोई और एक नकारात्मक सोच कंस्परिसी के साथ कभी रिजल्ट अच्छा आता नहीं है नकारात्मक कांग्रेस के लोग नकारात्मक सोच रहे हैं इलेक्शन नज़दीक आते आते चेंज ओवर पार्टीज आदमी लोग उधर से इधर इधर से उधर चालू होना चाहते हैं इधर हम लोग उसको ऑपरेशन कमल करके बोलते हैं तो हम ये बार क्या सोचते हैं हम हमारा पार्टी में कांग्रेस जे से कोई आने वाला नहीं ऐसा कि जो भारतीय जनता पार्टी में कई लोग आना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ प्रदेश के नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं वो इतना और सरकार के काम से खुश है तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं आएंगे भी ऐसे लोगों को हम देख करके आपस में विचार विमर्श करके पार्टी में उनको स्वागत करेंगे सर इलेक्शन टाइम में पहला चीज़ होता है कन्विंसिंग तो हम वोटर्स को कन्विंस करना चाहिए हमारा सही बोला आपने हमारा डेवलपमेंट इश्यूज हम क्या किया दूसरा जगह से कंफ्यूजिंग मेथड बोलता है ओपोजिशन और कोई वोटर को कंफ्यूज करना वोटर को फूल करना ये चलता है अभी आपको कर्नाटक में देखेगा ए गिफ्ट टू वोट अभी हम लोग दो तीन दिन से पेपर में पढ़ रहे हैं हम माध्यम में दिखा रहे हैं कोई फ्रिज दे, कोई टीवी दे नहीं ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ऐसा नहीं भी करना चाहिए कुल मिला करके ये सब ऐसा चीज़ें अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए और दूसरी बात क्या है कि जो हमने जो काम किया है वह जो अगर 46 सिक्स लैख्स घरों में टॉयलेट्स बने हैं पहले थे ही नहीं 46 सिक्स लाख कम नहीं होता 39 नाइन नल से जल एक लाख तेरह हज़ार आयुष्मान भारत ये बड़े काम हुए बावन लाख फिफ्टी टू लैक्स पी किसान सम्मान निधि दिए बड़े काम हुए हैं तो ये वेलफेयर के लिए काम सरकार को करना चाहिए लेकिन फ्री बिजली फ्री अपना फ्रीज फ्रीज टीवी या कोई नेता को भी जो करते हैं वो भी समझ से परे है और पार्टी को भी ऐसा कोई वादा करना नहीं चाहिए जो कांग्रेस कर रही है अगर आप कांग्रेस इसका मतलब अगर वादा कर रही है पहली चीज़ तो पूरा नहीं कर पाएगी दूसरा फिर क्या अस्पताल में दवाई नहीं देगी सड़क जो बनी है सड़कों के लिए बनम बनाने के लिए पैसा उनके पास नहीं होगा बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा इसका मतलब सारा विकास का रोक देंगे जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया गुजरात में आम आदमी पार्टी <laughs> कभी बहुत नाम किया था लाइक like, सब एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी बीजेपी को बहुत बड़ा कंटेस्ट देने वाला है बहुत बड़ा ये देने वाला है बट कर्नाटक में आपको लगता है केजरीवाल का आम आदमी पार्टी कुछ डिफरेंस करेगा ये बार नहीं नहीं आम आदमी पार्टी को अस्तित्व नहीं है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं आम आदमी पार्टी आजकल रिकॉर्ड बना रही है कि जमानत जब्त सिक्योरिटी उनकी जमानत होती है ना अधिक से अधिक सीटों में उनकी जमानत जब्त हो रही है सिक्योरिटी फोर फिट हो रही है उसका रिकॉर्ड बन रहा है आजकल आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करना और सिक्योरिटी जमानत जब्त होना ये उनका और आजकल स्ट्रेटजी मोदी टीम करके अमित शाह टीम एक यूनिट है जो इलेक्शन में जो योद्ध का जैसा जाके जा फाइट करते हैं तो एक बार वो टीम का कार्यतंत्र कर्नाटक में कैसा रहेगा अमित शाह और मोदी का जो यूनिट जो इलेक्शन फाइट करते हैं नहीं नहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यक्रम हो रहे हैं और रैलियाँ भी होंगी और मंत्री जी अमित शाह जी की भी रैली होगी सभी केंद्रीय नेताओं की बाकी की सबकी रैली होगी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता के साथ साथ अनुभवी कार्यकर्ता और भी आकर के काम करेंगे और सब मिलकर के एक परिवार भाव के तरह काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यपद्धति कांग्रेस की कार्यपद्धति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी कर्नाटक की कार्यपद्धति होगी उसको कांग्रेस उसको उस भेद नहीं कर पाएगी स्ट्रांग हमारा जो होगा पद्धति वर्किंग जो होगा बहुत मजबूत होगा उसको नहीं छोड़ उसको नहीं बेच पाएंगे एक कोका कोला एड आता था एक क्रिकेट का टाइम पे स्लीप क्रिकेट ईट क्रिकेट ड्रिंक क्रिकेट करके तो कभी कभी लगता है सेंट्रल पॉलिटिक्स नंबर वन नंबर टू बोलेगा तो ईट पॉलिटिक्स ड्रिंक पॉलिटिक्स स्लीप पॉलिटिक्स एंड दूसरा जगह से हम नेशन का बारे में बात करते हैं तो ईट नेशन ड्रिंक नेशन कभी भी उसका बारे में सोचते है, करके बीजेपी बता रहे हैं इसका बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहता है हाउ स्ट्रॉन्ग बीजेपी फॉर नेशन ये पूरे देश की जनता जान देश की जनता जानती है कि देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए भाजपा किस प्रकार से प्रतिबद्धित है भाजपा की जो स्थापना हुई फाउंडेशन हुए उसके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने अपने प्राणों की दी जीती देश की एकता अखंडता बचाने के लिए देश की एकता अखंडता बनी रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्राणों की आहुति दी तब पार्टी की स्थापना हुई कई हमारे लीडर्स हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी त्याग तपस्या किया कि देश का एक रहे अखंड रहे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय लाल चौक पर जाकर के धारा 370 के विरोध में वहाँ पर जाकर के भारत का झंडा फहराने का श्रीनगर में काम किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद धारा तीन समाप्त किया कस, जम्मू कश्मीर हर दृश्य से भारत का अभिन्न अंग रहे मान्य प्रधानमंत्री इंडिया का प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बन जाता है तो आपको बोलते हैं एवरी ग्लोबल किधर भी जाओ मोदी का नाम है ग्लोबल लीडर कहता कर, है जी ट्वेंटी के लिए हम आजकल अध्यक्ष भी बन गए तो एक बीजेपी का नाते छोड़ दो आपने एक प्राउड इंडियन हो के आपको क्या फील होता है व्हाट इज द अचीवमेंट एक आदमी ये तरीका से जाना और ग्लोबल लीडर खाना इंडिया का जैसा एक कंट्री में और उसका बात जी ट्वेंटी का अध्यक्ष का बाद एक बीजेपी को छोड़ा आपने बीजेपी को बाजे मेरे को एक प्राउड इंडियन होते आपको क्या फील होते देखिए आ... पहले देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे तो यहाँ अखबार में छपता भी नहीं था मुझे ध्यान है कि एक बार ओबामा आए राष्ट्रपति थे अमेरिका के भारत आया और पार्लियामेंट में के सदन में वो बोल रहे थे लगातार खाट खाट कर तालियां बज रही थी इंडिया में भारत में और वहीं मनमोहन सिंह जी जब बोले तो देख करके कैसे बोल थे, रहे थे कोई ताली नहीं बज रही थी उस समय ये मन में आता है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई भी भारत का प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसके नाम पे देश में भी ताली बजे और विदेश में भी ताली बजे ये मन में होता था कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा कैसा नहीं हो सकता तो वही हुआ कि जब मोदी जी बने देश के प्रधानमंत्री तो भारत में चाहे देखिए कनाडा जाए अमेरिका जाए ऑस्ट्रेलिया जाए किस प्रकार से लोग उमड़ते हैं और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जी के बारे में सम्मानपूर्वक बोलते हैं व्यक्ति को हर 140 करोड़ हिंदुस्तानी को लगता है यस भारत एक मजबूत और सशक्त भारत के रूप में आज पहचाना जा रहा है पूरा विश्व के पटल पे, लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो जब विदेश के धरती से या विशेष विदेश के राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं तो हर भारतीय सोचता है कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं आपको मोदी को देखेगा तो ऐसा लग लगता है वेरी स्टाइलिश पर्सन आजकल जो यंग जनरेशन भी है मोदी को फॉलो करता है नहीं मोदी तो... जी को हर मोदी जी को हर जनरेशन पसंद करता है एक सामान्य व्यक्ति से सामान्य गरीब परिवार से आए हुए गरीबों की चिंता करते हैं लगातार किसानों की चिंता करते हैं और उसी के साथ साथ डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया वह जो है उसके लिए भी निरंतर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मिशन मोड पे काम करते हैं तो सब उनको पसंद करते हैं तो बीजेपी एक इंडिविजुअल आपके लिए क्या है भारतीय जनता पार्टी जो देखे एक विचारधारा के आधार पे चलने वाली पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है और आइडियोलॉजिकल पार्टी होने के नाते ही बीजेपी का लगातार अलग अलग राज्यों में प्रभाव बढ़ रहा है और आज सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है दूसरा भारतीय जनता पार्टी में हम लोग समाज और राष्ट्र सेवा ही सर्वप्रथम है समाज के कोई भी समाज की समस्या हो उनके साथ जुड़ना और राष्ट्र की एकता क्या है तो उसके साथ अपने को आगे बढ़ कर के उसके लिए काम करना तो इसलिए हमारा लज और लक्ष्य भी क्लैरिटी है कि अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करना है समाज के अंतिम सीढ़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति का जीवन में उत्थान हो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम करते हैं तो समाज सेवा क्लेटी है समाज सेवा और राष्ट्र सेवा हमारे लिए प्राथमिक है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास यह मूल मंत्र है सर पावर टीवी की तरफ से आप कर्नाटक का जनता को कुछ मैसेज देना चाहता है वोटर्स को मैसेज देना चाहता है आप क्या मैसेज देना देखिए पावर टीवी के दर्शक पावर टीवी जो देख रहे हैं लोग पावर टीवी बहुत पॉपुलर है लोकप्रिय है मैं उसके पावर टीवी को भी बधाई देता हूं और अभिनंदन भी, भी करता हूं और देश की जनता को कर्नाटक के जनता और देश की जनता को ज़रूर कहना चाहूँगा कि कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है अवश्य रूप से जो कर्नाटक का विकास हुआ है उस विकास का जो रिपोर्ट कार्ड जनता को दी है उस रिपोर्ट कार्ड को पढ़े अगर वो सरकार ने मोदी सरकार के द्वारा और यहाँ पे मुंबई सरकार के द्वारा अगर काम हुआ है तो अवश्य हमें जन समर्थन दें और भारतीय जनता पार्टी इस विकास के गति को और आगे बढ़ाएगा और जो पावर टीवी है पावर चैनल यह लगातार इस प्रकार से सकारात्मक मुद्दों को और जनता के बीच में पहुँचा पहुँचाता रहे और पहुँचा भी रहे उस पॉजिटिविटी के साथ कोई नेगेटिव नहीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाए ये मेरा आपको कहना है दर्शकों को कहना है कि इस दिशा में काम करें थैंक यू सर यू एंड पॉवर टी वी की तरफ से आपका इच्छा जो 150 प्लस है हाँ और कभी भी हमारी भी कोई कमियाँ होती है तो ज़रूर बताएं कोई दिक्कत नहीं है हम भी सोच रहे हैं आपका इच्छा पूरा हो आपका जो कार्याचरण है इलेक्शन में जो आप जीते आप जनता को आपका सही मुद्दा पे चले इलेक्शन आपका हार्ड वर्क जो भी है तीन साल से आप कर रहे हैं वो आपका साथ सुपर संकेश का साथ आने दो करके हम भी प्रे करेंगे आपका साथ हम भी है थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद ವೀಕ್ಷಕರ ಇದು ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಕ್ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿ ಸಬ್ ಸಾತ್ ವಿಕಾಸ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ बर्ता